नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस. इसके लिए क्या है, लेट वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, लेट डब्ल्यू इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी. वी क्या होना चाहिए, एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस. डब्ल्यू क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसका, वी का. तो हम कब कहेंगे कि डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी. ठीक है, W को सब स्पेस ऑफ V कब कहा जाएगा, इफ W इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर F. W भी F के ऊपर क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस विद द सेम एडिशन एंड सेम स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज फॉर V. जिस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ V F के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा था, उसी एडिशन और उसी स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ W भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस बने अगर, तो हम कहेंगे कि W इज ए सब स्पेस ऑफ V. रिपीट कर रही हूं, सिंपल सी बात है बिल्कुल ही, कि W नॉन एम्प्टी हो, W V का सबसेट हो, V भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस हो और W भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस हो विद सेम एडिशन एंड सेम स्केलर मल्टीप्लीकेशन जिसके के साथ V F के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा था. तो छोटे वाले को W को क्या कहा जाएगा, सब स्पेस ऑफ V. सब स्पेस में देखो दो शब्द आ रहे हैं, एक सब और एक स्पेस. सब का मतलब सबसेट, कि W सबसेट होना चाहिए V का. स्पेस का मतलब W भी अपने आप में क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि V भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस हो, W भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस हो और W V का सबसेट हो, और वेक्टर स्पेस बनने के लिए जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों की सेम होनी चाहिए. Then we say that W is a subspace of V. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यहां पर V दिया है R क्यूब, इसका मतलब R क्यूब ओवर R. ये V का काम कर रहा है और ये F का काम कर रहा है. V दिया है R क्यूब, W1 में वो सारे थ्री ट्यूपल टाइप के एलिमेंट्स लिए हैं जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैन बी एनी रियल नंबर बट सेकेंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो. और W2 में क्या लिया है, वो सारे थ्री ट्यूपल टाइप के एलिमेंट्स लिए हैं जिसका थर्ड एलिमेंट पक्का क्या हो, जीरो, और फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर हो सकता है. देन इट इज वेरी इजी टू सी दैट W1 इज ए सबस्पेस ऑफ W2, और साथ में W1 और W2 दोनों के दोनों किसके सबस्पेस हैं, R क्यूब की. ये भी सबस्पेस है R क्यूब का, ये भी सबस्पेस है R क्यूब का, और W1 सबसेट है W2 का, और ये फर्दर किसका सबसेट है, R क्यूब का. W2 में जाने के लिए सिर्फ थर्ड कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, और W1 के हर एलिमेंट का थर्ड कोऑर्डिनेट तो जीरो है ही है. इट मीन्स W1 का हर एलिमेंट किस में जा रहे हैं, W2 में. सो W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज अ सबसेट ऑफ R क्यूब, और ये भी R क्यूब का सबसेट बनेगा, ये भी R क्यूब का सबसेट बनेगा, एंड W1 इज अ सबसेट ऑफ W2. बेसिकली वेक्टर स्पेस के लिए हमें क्या चाहिए, कि W1 भी R के ऊपर वेक्टर स्पेस हो, W2 भी R के ऊपर वेक्टर स्पेस हो, तो हम कह देंगे कि W1 इज ए सबस्पेस ऑफ R क्यूब एंड W1 इज ए सबस्पेस ऑफ W2. सिमिलरली W2 इज ए सबसेट ऑफ R क्यूब. इसके बाद एक एग्जाम्पल है, द एंटायर स्पेस V एंड द जीरो स्पेस सिंगलटन जीरो, ये दोनों भी सबस्पेसेस हैं V के, और इन दोनों को क्या कहा जाता है, ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ V. देखो V इज अ सबसेट ऑफ V, वी नो दैट, एंड सिंगलटन जीरो इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ V, वी नो दैट. ये कैसे आया, V वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो V प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है, और V प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप है तो उसमें जीरो मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी तो होगी ही होगी. सो जीरो बिलोंग्स टू V एंड दिस इम्प्लाइज सिंगलटन जीरो इज अ सबसेट ऑफ V. ठीक है, तो V V का सबसेट है, ये भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ये भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो इसको क्या कहा जाएगा, सबस्पेस ऑफ V. इसी तरह से ये इसका सबसेट है, ये F के ऊपर वेक्टर स्पेस है, और सिंगलटन जीरो भी F के ऊपर वेक्टर स्पेस बनने वाली सभी कंडीशंस को इजिली फुलफिल करेगा. सो दिस इज ऑल्सो ए सबस्पेस ऑफ V, और इन दोनों सबस्पेसेस को क्या कहा जाता है, ट्रिवियल सबस्पेस, की ये दोनों तो डेफिनेटली सबस्पेस V के बनेंगे ही बनेंगे. ठीक है,